वेलकम टू अंकुर परमाकल्चर फार्म। देखिए आप के सामने ये जामुन का पेड़ है जो बहुत छोटा था और अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। इस पे हमने काफ़ी बार नीचे मटका भी लगाया हुआ है और उसमें हम पानी डालते थे, अब तो मटका नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी पत्ते आ गए हैं और जब गर्मियाँ आएंगी तो वी विल जस्ट सी कि वो कहाँ गया। नीचे अंदर दबा हुआ है पानी ज़मीन में, उस पर हम पानी डालते थे और ऐसे करके हमने गर्मियों में इसको बचा के रखा। 2 लीटर का घड़ा रखते थे हम इसके अंदर, हमने साथ में ही अंदर दबा दिया था और उस पर हर जब भी आएंगे हम पानी डाल के जाते थे, 1 बाल्टी और एक्स्ट्रा डालते थे पानी ताकि ये बढ़ सके। और देखिए इसकी फ़ायदा ये हुआ कि इतनी हॉट समर्स में भी ये जामुन का पेड़ लग गया। विद इन 1.5 ईयर्स इसकी ये ग्रोथ है, अभी 1.5 ईयर्स पूरे नहीं हुए। सो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी खाद भी डाले, गोबर एंड वर्मी कंपोस्ट काफ़ी हमने यूज़ किया, हमने बहुत सारे पत्ते भी हम मल्चिंग करते थे ताकि पानी की कमी ना रहे। और बहुत हॉट समर्स में स्पेशली ईस्ट की तरफ से बहुत ही ज़्यादा धूप आती थी और हमने इस तरह से कवर करके रखते थे। देखिए अब कितना बढ़ गया, अब हमें ना पानी देने की ज़रूरत है और ना ही हमें काफ़ी कुछ करने की, बस ये है कि ये ऊपर बढ़ जाएगा, हम बीच बीच में खाद देते रहेंगे। बस जब हॉट समर्स होगी तो हम उसमें थोड़ा सा पानी भी दे देंगे। सो फ्रेंड्स, कोई चीज़ अगर लगानी हो तो कोई मुश्किल नहीं है, इवन हॉट समर्स में अगर हम उसे प्रोटेक्ट करें, हम उसे शेड दें, जैसे हमने नीचे घड़ा लगाया था, पानी भर के रखते थे और जब भी आते थे पानी डालते थे और घड़ा भी भरते थे, इस तरह से हमने ये सारे जितने भी पौधे हैं हमने लगाए। जैसे ये अमरूद है, ये वाला भी अमरूद और वो वाला भी, और बहुत सारे पौधे हमने उस तरफ भी घड़े भी लगाए और हमने ग्रीन कपड़ा भी लगाया। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग परमा अंकुर परमा कल्चर फार्म। थैंक यू।